मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था हेमंत पान और शुभम सेठी के बीच में, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी जहां हेमंत शुभम से ये पूछ रहे थे कि आपने 29 साल की उम्र में रिटायर कैसे कर लिया। शुभम ने 5.5 करोड़ के साथ 31 साल की उम्र में रिटायर किया एंड अब वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुभम का वो तरीका एक्सेल शीट के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी उसी जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले 3 चीजें। नंबर 1, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर देते हैं। वो एक गलत फहमी है, वो हमारे माँ बाप ने हमारे दिमाग में डाला हुआ था कि रिटायरमेंट का मतलब एक दिन रिटायर करेंगे और उसके बाद फिर रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करेंगे, चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, वॉक पे जाएंगे। ना, इन टुडेज वर्ल्ड रिटायरमेंट मींस कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन यू नीड टू नो ऑफ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप काम करना बंद कर देंगे, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। नंबर 2, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 30 साल से पहले पहले ही रिटायर करें। वो FIRE, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली वाला जो फेज है ना, जरूरी नहीं है कि 30 साल से पहले पहले करना है वरना जिंदगी झंड है ना। आप किसी भी पॉइंट पे जब भी चाहे आराम से बिना रिस्क लिए हुए इस डिसीजन को ले सकते हैं। इन इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि वो डिसीजन किस पॉइंट पे लेना चाहिए और उसके आगे वाली जिंदगी को कैसे चलाना है। नंबर 3, ये शुभम के लिए काम किया, एक्सेल शीट पे काम कर जाएगा, जरूरी नहीं है कि असली जिंदगी में काम करेगा। तो जब भी इस पॉइंट पे आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, सोच समझ के लीजिएगा। ये ना देख के कि यूट्यूब पे देखा था, अंकुर वारिको ने बोल दिया था, शुभम कर चुके हैं तो मुझे भी करना चाहिए। अपनी अकलमंदी के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी जजमेंट के साथ ये डिसीजन लीजिएगा। समझते हैं कि अप्रोच क्या है। अप्रोच की सबसे पहली बुनियाद ये है कि एक रिटायरमेंट का अमाउंट होता है, उस अमाउंट को हमने चेज करना है एंड उस अमाउंट की तरफ हमने इन्वेस्ट करना है। वो अमाउंट क्या है? आपके सालाना एक्सपेंसेस का 25 गुना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी अमाउंट से अपनी पूरी जिंदगी जी लेंगे, लेकिन अगर आप उस अमाउंट को एक सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो आपको कभी भी ऑन एन एवरेज पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स यूज नंबर्स। फर्ज करिए कि आपके महीने के एक्सपेंस 50,000 रुपए है। आप चेंज कर सकते हैं, तो यहां मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि आप इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट बाय द वे आप डाउनलोड करके अपने लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो फर्ज करिए आपके महीने के एक्सपेंस 50,000 रुपए, मतलब साल के एक्सपेंस आपके 6,00,000 रुपए। इसका 25 गुना कितना होता है? 1.5 करोड़ रुपए। और ये है आपकी रिटायरमेंट की इनकम। तो इस नंबर को हमने चेज करना है, क्योंकि ये नंबर जिस दिन हमें मिल गया उस दिन हम टेक्निकली रिटायर कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, इस रिटायरमेंट अमाउंट को जानना है, जो भी आज की डेट के आपके महीने के खर्चा है उसका सालाना और उसका 25 गुना। स्टेप नंबर 2, इस रिटायरमेंट इनकम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, रातों रात पहुंचने की कोशिश नहीं करनी है, बेवकूफी नहीं करनी है, धीरे धीरे आराम से, एंड आई शो यू हाउ। तो फर्ज करिए आपके महीने की तनख्वाह 1,00,000 रुपए, जिसमें से आपके महीने का खर्चा जैसे कि हमने बताया 50,000 रुपए है, तो इसको भी 1,00,000 रुपए कर देते हैं। तो आप महीने के बाकी के 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्ट कहां करना है? जैसे कि मैंने बताया, रिस्क नहीं लेना है। वी विल इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड इंडेक्स म्यूचुअल फंड। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे फंडामेंटल है निफ्टी 50 इंडेक्स, मतलब भारत के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उनका एक म्यूचुअल फंड बना हुआ है। उसमें अगर आप पैसे डालेंगे तो जैसे जैसे भारत के टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेंगी वैसे वैसे आपका पैसा परफॉर्म करेगा। अगर आप थोड़ा रिस्क और लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप 100 में डाल सकते हैं। ये भारत की टॉप 100 मिड साइज्ड कंपनीज का इंडेक्स है। अगर और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप 250 में डाल सकते हैं। ये भारत की टॉप 250 स्मॉल साइज कंपनीज है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए आप ज्यादा रिस्क ना लें। स्टॉक मार्केट से ही ये पैसा पहुंचेगा, लेकिन उसके अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड डालें जो ऑन एन एवरेज आपको 12% सालाना रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ये हिस्टोरिकल डेटा से बैक्ड है, तो ऑन एन एवरेज 12-13% आपको निफ्टी 50 इंडेक्स से मिलता है। अब यही अगर आप 50,000 रुपए महीने की SIP करके 12% कमा के शुरू करेंगे तो देखते हैं कि ये पैसा कितने सालों बाद कितना बनेगा। याद है आपको 1.5 करोड़ पहुंचना है, तो दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो 5 साल बाद ये अमाउंट करीब 41 लाख होगा, 10 साल बाद 1.15 करोड़, 11 साल बाद 1.36, 12 साल बाद 1.59 करोड़। मतलब 12 साल के अंदर आप इस अमाउंट तक पहुंच गए। तो आप जिस भी उम्र में है, फर्ज करिए आप 23 साल या 24 साल की उम्र में है, 12 साल मतलब 35 साल की उम्र में आप रिटायर कर सकते हैं।
अगर इस अमाउंट तक आप पहले पहुंच गए, बहुत बढ़िया, पहले रिटायर कर जाइए। अगर ज्यादा वक्त लगेगा कोई बात नहीं, उतावले नहीं होना है। जिस पॉइंट पे ये पैसा पहुंचेगा उस पॉइंट पे आप रिटायर कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इस 12 सालों में मेरा महीने का खर्चा भी तो 50,000 रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, लेकिन उसी हिसाब से आपके महीने की तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। जितनी भी बढ़ रही है 4% से 5% से, या अगर आप बहुत फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री में है तो 8% से 10% से, जिस औसतन से वो बढ़ रही है या ऑन एन एवरेज जिस भी एवरेज से बढ़ रही है, उसी एवरेज से आप अपने खर्चे और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए। हमने तो ये अज्यूम किया कि आप 50,000 ही हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। कम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ रही है तो उससे आपको एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, बट प्रोसेस ज्यादा जरूरी है समझना। अब आप स्टेप टू तक पहुंच चुके हैं। स्टेप वन क्या था कि आपने अपनी रिटायरमेंट इनकम डिटरमिन कर ली। स्टेप टू क्या था कि आप किस पॉइंट पे उस इनकम तक पहुंच गए हैं। रिस्क नहीं लिया है हमने, निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया। जब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए एंड 1.59 करोड़ के कॉर्पस के साथ आप रिटायर करेंगे, उसके बाद की जिंदगी आप कैसे जिएंगे, इसके लिए शुभम ने बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच बताया। एंड इट्स इन माय हेड अ 50-50 अप्रोच विद अ 10-year, सॉरी विद अ 8-year होराइजन। व्हाट ही डिड वाज कि ये जो 1.59 मतलब 1.6 करोड़ हैं, इसका हम 50% यूज करेंगे एक्सपेंसेस के लिए। तो जो भी हमारे महीने के खर्चे होंगे उसके लिए हम 50% यूज करेंगे और हम 8 साल तक उसको यूज करेंगे। तो नंबर्स में देखते हैं कि करीब 80 लाख रुपए है तो अमाउंट पर मंथ अब हमारा 83,000 मतलब 83,000 रुपीस पर महीना हमारे पास अब खर्च करने का एक बजट है। बाकी का जो पैसा है विच इज अनदर 80 लाख, इसको हम फिर से वही करेंगे जो हम पहले करते आए, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। 12% ऑन एन एवरेज कमाएगा तो 8 साल के बाद यही 80 लाख रुपए 1.97 करोड़ बन गए होंगे। ये एक लंपसम इन्वेस्टमेंट होगी, इसका कोई SIP नहीं होगा। जितना पैसा है वापस 50% डाल दिया। ये 1.97 को हम फिर से रोटेट करेंगे तो 50% एक्सपेंसेस के लिए 8 साल तक, तो 98 लाख हम एक्सपेंसेस के लिए, मतलब अब हमारे महीने का खर्चा 1,02,000 तक हो चुका है। एंड बाकी के जो 98 लाख हैं वो हम फिर से इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो 12% कमाएगा, 8 साल के बाद इसकी वैल्यू 2.44 करोड़ होगी। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। 50% तो 1.22 करोड़ हमें मिलेगा, तो मतलब हमारा अमाउंट खर्चे का 1.27 हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस यू रियलाइज कि आप कभी पैसे से बाहर नहीं निकलेंगे। एंड यू विल ऑलवेज हैव मनी फॉर टू थिंग्स। नंबर एक, आपके महीने का खर्चा चलाने के लिए। नंबर दो, आपका एक कॉर्पस जिससे आप आगे की जिंदगी जी सकते हैं। अब इस कॉर्पस से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने महीने का खर्चा जो है वो 1.5 लाख में ही बता लेंगे। बच्चों की पढ़ाई कहाँ से आएगी, खुद के लिए अगर हमने घर खरीदना है वो कहाँ से आएगा, अगर कोई और बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कहाँ से आएगी, वो इस कॉर्पस से ही आएगी। क्योंकि ये कॉर्पस आपको किसी पॉइंट पे इन्फिनिट रनवे देगा, मतलब आपके पास जितने भी साल बचे हुए हैं अपनी जिंदगी के, मोटा मोटा ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं कि आप 80 साल तक जिएंगे या 85 साल तक जिएंगे, तो ये पैसा अगर 12% इनकम कमाता रहेगा तो आपके पास कभी पैसा खत्म नहीं होगा, बल्कि आपके पास एक्सेस ही होगा इवन एट द टाइम ऑफ योर डेथ। तो आप बैक कैलकुलेट करके इससे एक लमसम एक्सपेंस भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे बोलेंगे कि यार 3.74 करोड़ में से 1 करोड़ मैं घर के लिए यूज कर लेता हूँ, या 50 लाख किसी चीज के लिए यूज कर लेता हूँ, आपके पास जितना बचेगा उसको अगर फिर से आप 50-50 वाला रूल अपनाएंगे, द साइकिल विल कंटिन्यू। मैंने करीब 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था ऑफ हाउ मच मनी डू यू नीड इन योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी की सारी जरूरतें, सारी इच्छाएं, सब कुछ पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत है। मेरे लिए वो नंबर 21.7 करोड़ है, क्योंकि मुझे मार्स जाना है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, कुछ कुछ कराना है, और अगर महीने का खर्चा हम लेके चलेंगे एंड 21.7 करोड़ का एक नंबर लेके चलेंगे, तो वो 21.7 करोड़ बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर वो पड़े रहे एंड खर्च होते रहे। सो द ओनली वे कि आप एक कम लमसम से अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं
is for you to invest a part of that money into a return generating asset. जो इस केस में शुभम ने बोला था एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकता है जो आपको 12% देगा। तो इन समरी तीन स्टेप्स क्या थे। स्टेप नंबर वन, अपनी रिटायरमेंट इनकम डिटरमिन करना, वो क्या होगी, आपके महीने का खर्चा कन्वर्टेड इनटू साल का खर्चा मल्टीप्लाइड बाय 25 टाइम्स। नंबर दो, इस इनकम तक पहुंचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना है एंड गेट टू दिस नंबर विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क। बिना रिस्क लिए, बिना तो नहीं लेकिन कम रिस्क लिए हुए क्या अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में SIP करना। तो जो भी आपके महीने का इन्वेस्टमेंट होगा उसको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालिए। निफ्टी 50 विल बी अ गुड स्टार्ट। थोड़ा और रिस्क लेने के लिए मिड कैप 100, थोड़ा और रिस्क लेने के लिए स्मॉल कैप 250, लेकिन इन तीन से बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऑनेस्टली इंडेक्स म्यूचुअल फंड विल बी गुड। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ऑन एन एवरेज 12% कमाएंगे तो कुछ साल बाद आपकी रिटायरमेंट इनकम हिट हो जाएगी। दैट विल बी स्टेप नंबर टू। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, इस कॉर्पस को 50-50 बांटिए। 50% आप यूज करिए अपने महीने के खर्चे के लिए, उसको 8 साल तक चलाइए एंड बाकी का 50% लमसम में इन्वेस्ट करिए ताकि वो 8 साल तक रिटर्न कमा पाए। 8 साल का पीरियड क्यों? आई डोंट नो द आंसर एग्जैक्टली, बट आई थिंक इट्स इनफ पीरियड फॉर यू टू हैव अ कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उससे कम करेंगे तो ज्यादा उतार चढ़ाव भी होगा, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रिटर्न मिल नहीं पाएगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आया होगा। उससे ज्यादा करेंगे तो वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि महीने का खर्चा भी चलाना। सो 8 ईयर सीम्स लाइक अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट। डू अ 50-50 स्प्लिट एंड फिर से वही प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। ये आप कितनी भी देर तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा खर्चा आएगा जिंदगी का तो उसी कॉर्पस से 8 साल के बाद निकाल के उसको एक वन टाइम एक्सपेंस काउंट करिए एंड बाकी के अमाउंट के साथ वही 50-50 अप्रोच अडॉप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। आई फाउंड दिस टू बी अ पावरफुल, बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक अप्रोच है बट एटलीस्ट अ गुड वे फॉर यू टू थिंक, क्योंकि अगर आप अपने नंबर्स को इसी एक्सेल शीट के थ्रू प्लॉट करना शुरू करेंगे थोड़ी सी डायरेक्शन मिलेगी। The big thing I want all of you to take away is कि retirement एक goal नहीं होना चाहिए। Retire जल्दी करना है ये जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। जिंदगी का मकसद होना चाहिए कि आप अच्छे से पैसे कमाएं, अच्छे से सीखें एंड किसी पॉइंट पे भी आप पैसे के पीछे ना भाग रहे हो अपनी जिंदगी मार कर। If you feel that is the way you would want to live life and you want to do it for 50-60 years, बहुत बढ़िया, तभी रिटायर करिए जब आप वाकई में 60 साल के हो जाएंगे और रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको कॉर्पोरेट रेस में भाग नहीं लेना है, आपको अपनी जिंदगी खुद से जीनी है या कोई भी और रीजन हो, तो उस रिटायरमेंट को चेज मत करिए, उसकी तरफ काम करिए एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हिट इट। उस पॉइंट पे करेज ड्रॉ करके रिटायर करिए एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर मनी। आई होप दिस वॉज यूजफुल। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।